काफ़ी दिनों से गुली और बली का दिन काफ़ी सुकून से बीत रहा है। सारा दिन मौज मस्ती करते हुए गुजरता है और रात के वक्त इन लोगों ने पॉटी पासवान को अपने घर पर बुलाया है, क्योंकि पॉटी पासवान इन लोगों को बिना बताए कहीं पर घूमने चला गया था। उसी का बदला लेने के लिए इन लोगों ने पॉटी पासवान को बुलाया अपने घर पर और ये लोग पॉटी पासवान के आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी इंतजार करते करते गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली सॉन अभी तक आया कि नहीं, उसने तो कहा था कि वो 2 घंटे में आ जाएगा, अभी तो 3 घंटे हो चुके हैं। और ये सब सुनकर गुल्ली से कहता है कि हाँ गुल्ली 3 घंटे तो हो चुके हैं, हो सकता है कि वो अपने घर पर ही रुक गया हो, उसे हमारी चालबाजी का पता चल गया हो। वो बहुत चालाक चीज है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि हम लोग उससे भी बड़े चालाक चीज है। चलो जल्दी जीप में बैठो, उसके घर चलते हैं, वो हमें जैसे ही दिखेगा हम उससे अपना बदला ले लेंगे, जल्दी बैठो जीप में नहीं तो वो वहाँ से भी भाग जाएगा। ये सब सुनकर गुल्ली बुल्ली से कहता है कि हाँ बुल्ली तुम ठीक कह रहे हो, ये आइडिया बहुत ही परफेक्ट रहेगा, चलो जल्दी जीप में बैठते हैं बिना देर किए हुए। और इतना बनकर गुल्ली और बुल्ली जीप में बैठने के लिए जीप के पास जाने लग जाते हैं। ये लोग जैसे ही जीप के पास पहुंचते हैं, गुल्ली और बुल्ली जीप में बैठ जाते हैं और गुल्ली जीप को स्टार्ट करता है और फिर ये लोग वहां से तेजी से निकल जाते हैं स्वान के घर की तरफ। और थोड़ी ही देर में ये लोग सोहन के घर के पास पहुंच जाते हैं। ये लोग जैसे ही सोहन के घर के पास पहुंचते हैं, गुल्ली और बुल्ली सोहन के घर की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सोहन घर के बाहर हो, लेकिन सोहन तो घर के बाहर है ही नहीं। और ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली सोहन तो घर के बाहर है ही नहीं, तुम जरा घर के अंदर जाकर देखो कि वो है या नहीं, अगर होगा तो उसे घसीटते हुए यहाँ पर ले आना, हमें उससे बदला जो लेना है। और ये सब सुनकर गुल्ली से कहता है कि हाँ गुल्ली तुम ठीक कह रहे हो, मैं अभी जाता हूँ उसके घर में, अगर वो मुझे अपने घर के अंदर मिला तो मैं घसीटते हुए तुरंत यहाँ पर उसे ले आऊँगा, हो सकता है कि वो डर के मारे अपने घर में ही छुप गया हो, चलो अब तुम मेरा यहीं पर रहकर इंतजार करो। और इसके बाद गुल्ली सोहन के घर की तरफ जाने लग जाता है। थोड़ी ही देर में बुल्ली सोहन के घर के पास पहुंच जाता है। बुल्ली जैसे ही सोहन के घर के पास पहुंचता है, वो सोहन के घर के दरवाजे को खटखटाने लगता है। काफी देर तक खटखटाने के बाद जब कोई भी जवाब नहीं आता तो बुल्ली समझ जाता है कि सोहन घर पर नहीं है, और इसके बाद बुल्ली गुल्ली के पास जाने लग जाता है। बुल्ली गुल्ली के पास पहुंचते ही जीप में बैठता है और गुल्ली बुल्ली को देखकर कहता है कि क्या हुआ बुल्ली, तुम खाली हाथ यहाँ पर क्यों आए हो। और ये सब सुनकर बुल्ली गुल्ली से कहता है कि अरे मैं खाली हाथ इसलिए आया हूँ क्योंकि सोहन तो घर पर है ही नहीं, अब हो सकता है कि वो बाबा के घर पर चला गया हो, अब चलो जल्दी बाबा के घर पर चलते हैं उसे ढूंढने के लिए और अपना बदला लेने के लिए। और इसके बाद गुल्ली और बुल्ली बाबा के घर की तरफ जाने लग जाते हैं काफ़ी तेजी से, लेकिन बाबा के घर यहाँ से बहुत दूर है इसलिए इन लोगों को काफ़ी टाइम लग जाएगा बाबा के घर पर जाने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ सोहन भी अपनी स्कूटर से काफ़ी तेज़ी से जंगल के रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। सोहन को काफ़ी देर हो गई क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था और इस वजह से उसके 1 घंटे बर्बाद हो गए, इसलिए सोहन काफ़ी तेज़ी से स्कूटर भगाते हुए ले जा रहा होता है। लेकिन सोहन को ये नहीं पता कि ये जिस रास्ते से जा रहा है वहाँ पर वेंडिगो नाम का शैतान रहता है। सोहन जा ही रहा होता है कि तभी उसकी स्कूटर का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और उसकी स्कूटर वहीं पर रुक जाती है। ये देखकर सोहन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो स्कूटर से उतरता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है कि शायद कहीं उसे कोई मिल जाए जिससे वो पेट्रोल मांग सके। सोहन यहाँ वहाँ देख ही रहा होता है कि तभी सोहन को कुछ ऐसी चीज़ दिखती है जिसे देखकर सोहन को थोड़ी राहत मिलती है। सोहन देखता है कि वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है और वो कार बहुत ही अंधेरे में खड़ी है, इसलिए सोहन को साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। सोहन उस कार को पास से देखने के लिए उस कार के पास जाने लग जाता है क्योंकि सोहन को लगता है कि अगर कार यहाँ है तो उसमें पेट्रोल ज़रूर होगा, वो उस कार से पेट्रोल निकाल लेगा। यही सोचकर सोहन उस कार के पास जाने लग जाता है काफ़ी तेज़ी से और थोड़ी देर में वो कार के पास पहुँच जाता है। सोहन कार के पास पहुँच कर ये देख कर हैरान है कि इस कार का तो एक्सीडेंट हो चुका है,
और तभी देखते ही देखते उस कार से एक ड्राइवर बाहर निकलता है। और शॉन उस ड्राइवर को देखकर उस ड्राइवर से पूछता है कि कौन हो तुम, आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं तुमने ही तो नहीं इस कार का एक्सीडेंट किया है और इस कार में चोरी करने के लिए तो नहीं घुसे थे। और यह सब सुनकर वो ड्राइवर बोलता है, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ समझे तुम, ये कार भी मेरी ही है, मैं एक ऑफिसर हूँ और मैं अपने घर पर जा रहा था, तभी रास्ते में मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरा नाम है चुन्नी, मैं बहुत ही जल्दी में था इसलिए मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, अब क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो यहाँ से जाने में। ये सब सुनकर शॉन उस ड्राइवर से बोलता है, अच्छा तो ये बात है, ये तुम्हारी ही कार है, तुम्हें सावधानी से कार चलानी चाहिए थी, अब एक्सीडेंट हो गया है, खैर छोड़ो, मेरे पास मेरी स्कूटर है लेकिन उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है, क्या तुम्हारे पास पेट्रोल है। ये सब सुनकर वो ड्राइवर बोलता है शॉन से, नहीं मेरे पास पेट्रोल नहीं है, मेरी कार में जो पेट्रोल था वो भी गिरकर ख़त्म हो गया, क्योंकि कार का एक्सीडेंट हो गया इस वजह से पेट्रोल लीक होकर ख़त्म हो गया, अब मुझे लगता है कि यहाँ हमें रुककर इंतज़ार करना चाहिए या फिर आसपास देखना चाहिए कहीं कोई घर तो नहीं जहाँ से हमें पेट्रोल मिल सके। और इतना बोलकर शॉन और चुन्नी जाने लगते हैं आसपास देखने के लिए कि कहीं पर कोई घर तो नहीं। ये लोग रास्ते से जा ही रहे होते हैं आसपास देखते हुए काफ़ी तेज़ी से कि तभी इन लोगों को एक घर दिखाई देता है जो कि काफ़ी भयानक और सुनसान लग रहा होता है। ये देखकर इन लोगों को थोड़ी राहत मिलती है लेकिन ये घर तो कुछ ज़्यादा ही भयानक और सुनसान और डरावना लग रहा है, कहीं इस घर में कुछ खतरा तो नहीं। और ये देख कर शॉन चुन्नी से बोलता है कि चुन्नी मुझे लगता है इस घर में हमें पेट्रोल मिल जाएगा, चलो एक बार चल कर देखते हैं। और ये सब सुनकर चुन्नी शॉन से बताता है कि हाँ हमें जल्दी से जल्दी इस घर में जाना चाहिए और हमें पेट्रोल ढूंढना चाहिए और मुझे भी लगता है इस घर में पेट्रोल मिल जाएगा लेकिन हमें ज़रा सावधानी से जाना होगा क्योंकि यहाँ पर एक शैतान रहता है जिसका नाम है वेंडिगो और वो रात को 12 बजे के बाद आता है और किसी भी इंसान को देख लेता है उसे मार कर उसकी रूह को निकाल कर अपने साथ लेते जाता है, इसलिए हमें काफ़ी सावधानी से इस घर में जाना होगा और छानबीन करते हुए भी हमें काफ़ी सावधान रहना होगा। और इतना बोलकर ये दोनों उस घर की तरफ जाने लग जाते हैं काफ़ी तेज़ी से। ये लोग जैसे ही उस घर के पास पहुंचते हैं कि ये लोग देखते हैं कि नीचे वाले रूम का दरवाज़ा तो खुला हुआ है और ये देखकर शॉन उस दरवाजे को खोलता है और घर के अंदर चला जाता है पेट्रोल ढूंढने के लिए और चुन्नी शॉन के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा होता है। और थोड़ी देर बाद शॉन उस घर के बाहर आ जाता है वो भी खाली हाथ और शॉन चुन्नी से बोलता है कि चुन्नी घर इस वाले रूम के अंदर कोई भी पेट्रोल नहीं है, चलो ऊपर चल कर देखते हैं। और इतना बोलकर ये लोग ऊपर के रूम की तरफ जाने लग जाते हैं। ये दोनों सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं और ये दोनों जैसे ही ऊपर जाते हैं ये दोनों आसपास तुरंत पेट्रोल ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन इन लोगों को कहीं भी पेट्रोल नहीं मिल रहा होता है। और थोड़ी देर बाद इन लोगों को समझ में आ जाता है कि इस घर में कहीं भी पेट्रोल नहीं है और इसके बाद ये लोग नीचे आने लग जाते हैं कि शायद कोई रोड से इन लोगों को जाता हुआ भी दिख जाए और ये लोग उससे लिफ्ट मांग लें। यही सोचकर ये दोनों सीढ़ियों से नीचे आने लग जाते हैं और थोड़ी देर में ये लोग सीढ़ियों से नीचे आ जाते हैं और फिर ये लोग उस घर के बाहर जाने ही वाले होते हैं कि तभी इन लोगों को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख कर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो वेंडिगो है, तो इन लोगों के सामने वेंडिगो आ गया था, इसका मतलब वेंडिगो की कहानी सच है और वो अब इन दोनों की रूह को निकाल कर अपने साथ लेते जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ गुल्ली और बुल्ली शॉन को ढूंढते हुए बाबा के घर पर जा रहे होते हैं और बाबा का घर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है तो थोड़ी देर में ये दोनों बाबा के घर पर पहुँच जाएंगे। ये दोनों ये सोचकर बाबा के घर जा रहे हैं कि शॉन बाबा के घर पर होगा लेकिन इन्हें क्या पता शॉन तो वहाँ वेंडिगो की चाल में फंस चुका है। ये दोनों थोड़ी ही देर में बाबा के घर के पास पहुँच जाते हैं। गुल्ली जैसे ही बाबा के घर के पास पहुँचता है
वो गाड़ी को बाबा के घर के बाहर खड़ा करता है और फिर ये दोनों जीप से उतरते हैं और इसके बाद बाबा के पास जाने लग जाते हैं ये लोग काफी तेजी से। और थोड़ी देर में ये दोनों बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा जैसे ही गुल्ली बुल्ली को देखते हैं वो तुरंत उठते हैं और गुल्ली बुल्ली से पूछते हैं कि क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, तुम लोग आधी रात को यहाँ पर क्यों आए हो, कोई कहीं कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं आ पड़ी है जिस वजह से तुम लोग मेरे पास आए हो। और ये सब सुनकर बुल्ली बाबा से बोलता है, नहीं बाबा ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं है, हम तो बस ये पूछने यहाँ पर आए हैं कि क्या सावन आपके घर आया है, अगर आया तो हमें उसके पास भेज दीजिए, हमें उसके पास जाना है, हमें उससे बदला लेना है। और ये सब सुनकर बाबा थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और गुल्ली बुल्ली से बोलते हैं, नहीं गुल्ली बुल्ली सावन तो यहाँ नहीं आया, क्या हुआ सावन नहीं मिल रहा है क्या। और ये सब सुनकर गुल्ली बाबा को सारी बात बताने लगता है कि किस तरह से सावन इन दोनों को बिना बताए घूमने चला गया था कहीं पर और फिर ये दोनों उसका बदला लेने के लिए सावन के घर गए थे, लेकिन सावन अपने घर पर भी नहीं है, उसने कहा था कि वो 2 घंटे में आ जाएगा और हम लोग 4 घंटे बाद उसके घर गए थे, लेकिन फिर भी सावन वहाँ पर नहीं था और हमने तो सोचा था कि सावन यहाँ पर होगा लेकिन यहाँ पर तो सावन नहीं है। ये सब सुनकर बाबा गुल्ली बुल्ली से बोलते हैं कि अरे गुल्ली बुल्ली तब तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई, सावन कहीं पर फंस चुका होगा, अब चलो उसे ढूंढने में मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। और इतना बोलकर बाबा अपनी बाइक से गुल्ली बुल्ली के साथ सावन को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं काफ़ी तेज़ी से। ये लोग सावन को पहले मार्केट में ढूंढने के लिए जा रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, पता नहीं इन लोगों को सावन मिलेगा भी या फिर नहीं। और वहीं दूसरी तरफ चुन्नी और सावन वेंडिगो से बचते बचाते हुए छुपे हुए होते हैं और वेंडिगो इन दोनों को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि इस घर में कोई तो आया ही है। तभी वेंडिगो दूसरी तरफ मुड़ता है लेकिन उसे चुन्नी और सावन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे होते हैं और इधर चुन्नी और सावन वेंडिगो को ऐसे इन लोगों को ढूंढता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं और तभी वेंडिगो इन लोगों को देख लेता है। ये देखकर चुन्नी और सावन काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं क्योंकि इन लोगों को पता है कि वेंडिगो इन लोगों के साथ क्या करने वाला है, इसलिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा वेंडिगो से डर रहे हैं। और तभी सावन चुन्नी से बोलता है कि चुन्नी अब हम इससे कैसे बचें, तुम कोई मुझे उपाय बताओ, तुमने ही मुझे बताया था कि यहाँ पर वेंडिगो रहता है तो इससे बचने का भी कोई तोड़ तो होगा ही। और ये सब सुनकर चुन्नी सावन से बोलता है, नहीं सावन इससे बचने का कोई भी उपाय नहीं है, अब हमें यहाँ से भागना ही होगा अगर हमें इससे बचना है। इतना बोलकर ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और ये देखकर वेंडिगो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इन लोगों का पीछा करने लग जाता है काफ़ी तेज़ी से। चुन्नी और सावन वेंडिगो से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत से भाग रहे हैं कि किसी तरह से ये दोनों वेंडिगो से बच जाएं और यही सोचकर ये दोनों काफ़ी तेज़ी से भाग रहे होते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता कि वेंडिगो इन लोगों को काफ़ी जल्दी पकड़ लेगा। और तभी भागते भागते चुन्नी का पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है और सावन उसे बचाने के बजाय वहाँ से खुद भाग जाता है क्योंकि सावन तो खुद ही इतना डरपोक है। और इधर वेंडिगो ये चुन्नी को बेहोश देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो हंसने लग जाता है और तभी और हंसने लग जाता है। थोड़ी देर हंसने के बाद वेंडिगो चुन्नी की रोह को निकालने लग जाता है, अब लगता है चुन्नी की मौत होने वाली है। इस बात से अनजान सावन वहाँ से बहुत ही तेज़ी से भाग रहा होता है। सावन को ये बात नहीं पता है कि वेंडिगो चुन्नी की रूह को निकाल रहा है और वो थोड़ी देर में चुन्नी की रूह को निकाल लेगा और फिर चुन्नी कभी जिंदा नहीं हो पाएगा। इस बात से बेखबर है सावन और तभी वो बहुत ही तेज़ी से भाग रहा होता है, लेकिन तभी सावन रुक क्यों गया। सावन को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो वहीं रुक जाता है और उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन सावन ने ऐसे भी किस आदमी लोगों को देख लिया ये तो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। सावन देखता है कि वहाँ पर बाबा गुल्ली और बुल्ली अपनी जीप और बाइक से सावन के ही पास आ रहे हैं। ये लोग अभी बहुत ही दूरी पर हैं इसलिए इन लोगों को सावन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ी तेज गाड़ी भगाने के बाद इन लोगों को सावन दिखने लग जाता है और फिर ये लोग सावन के पास ले जा रहे हैं अपनी गाड़ी को।
और फिर ये लोग शॉन के पास अपनी गाड़ी को ले जाकर रोक देते हैं। शॉन के पास आते ही ये तीनों लोग अपनी अपनी गाड़ी और बाइक से उतरते हैं और ये लोग शॉन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। और शॉन इन लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि इन लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चल गया। लेकिन तभी बाबा शॉन से बोलते हैं, अरे शॉन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम लोग तुम्हें 2 घंटे से ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ पर आकर मौज मस्ती कर रहे हो, वो भी जंगल में। क्या तुम्हें पता नहीं है ये जंगल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जंगल है? और मुझे जल्दी से बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, नहीं तो तुम्हारे कपड़े उतरवा लिए जाएंगे। और ये सब सुनकर शॉन बाबा को सारी बात बताने लगता है कि किस तरह से ये गुल्ली बुल्ली के घर आ रहा था। लेकिन तभी रास्ते में इसकी स्कूटर का पेट्रोल ख़त्म हो गया और फिर ये इसने एक आदमी को देखा जिसका नाम चुन्नी था और उसे वेंडिगो नाम के शैतान ने पकड़ लिया। वेंडिगो एक ऐसा शैतान है जो दूसरों की रूह को निकाल कर अपने साथ लेते जाता है और उन्हें मार डालता है। और ये सुनकर बुल्ली बाबा से बोलता है, बाबा ये शैतान तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, चलिए हम लोग घर चलते हैं। और ये सुनकर बाबा गुस्सा हो जाते हैं और बुल्ली बुल्ली से बोलते हैं, नहीं हमें घर नहीं जाना, हमें उस चुन्नी को भी बचाना होगा, नहीं तो वो उसे भी मार देगा वेंडिगो। अब चलो शॉन मुझे वेंडिगो के पास ले चलो। और इसके बाद शॉन इन तीनों लोगों को वेंडिगो के पास ले जाने लगता है और ये तीनों शॉन के पीछे पीछे वेंडिगो के पास जाने लगते हैं। काफ़ी तेज़ी से जा रहे होते हैं ये लोग, लगता है आज वेंडिगो का आखिरी दिन है। बाबा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है लेकिन गुस्से को कंट्रोल करते हुए बाबा शॉन के साथ वेंडिगो के पास जा रहे हैं क्योंकि बाबा को लगता है कि बाबा वेंडिगो को समझा देंगे जिससे वो समझ जाएगा और वो चुन्नी की जान छोड़ देगा। लेकिन इन्हें क्या पता ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और थोड़ी ही देर में ये लोग वेंडिगो के पास पहुंच जाते हैं। ये लोग जैसे ही वेंडिगो के पास पहुंचते हैं ये लोग देखते हैं कि वेंडिगो ने तो चुन्नी की रूह को निकाल लिया और चुन्नी भी मरा पड़ा हुआ है। और ये देखकर बाबा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और गुल्ली बुल्ली वेंडिगो को देखते ही रह जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने पहली बार वेंडिगो को देखा है। और तभी शॉन बाबा से बोलता है, बाबा यही है वेंडिगो, इसने चुन्नी की रूह को भी निकाल दिया, अब इसे आप छोड़िएगा मत। और ये सुनकर बाबा भड़क गए और बस फिर क्या था, बाबा ने लगा दी डॉट और ये लगा थपका। बाबा ने वेंडिगो को एक ही बार में ढेर कर दिया। बाबा को लगता है कि वेंडिगो मर चुका है और अब ये लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। थोड़ी देर मौज मस्ती करने के बाद बाबा गुल्ली बुल्ली के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वो देखते हैं कि वेंडिगो उठने की कोशिश कर रहा है। और ये देखकर बाबा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और बस फिर क्या था, हो गया स्क्रीन मोड ऑन और बज गई वेंडिगो की गूंगी। और इसके बाद चुन्नी को भी होश आ जाता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप बुल्ली बुल्ली के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।